क्लाइमेटोलॉजी के इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें आपने एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, इसके अलावा प्रेशर बेल्ट्स और विंड्स का जो डायरेक्शन है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का या वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग इंडियन मानसून के नाम से जानते हैं। हमारा जो इंडियन मानसून है ये दो पार्ट्स में रहेगा, पार्ट वन और पार्ट टू में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इंडियन मानसून पढ़ने के लिए आपको इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिमार्केट करना पड़ता है, जिसमें हम पहले नॉर्थ ईस्टर्न मानसून पढ़ सकते हैं, देन वी कैन गो टू द साउथ वेस्टर्न मानसून, एंड देन हम लोग प्री मानसून शार जो लोकल विंड्स के कारण होता है वो पढ़ते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, यहां पर आप देख सकते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर हम लोगों ने यहां पर बनाया है। यहां पर हमारा सन रहेगा क्योंकि सन रेज इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को ITCZ के बारे में पढ़ा चुका है, तो ITCZ का जो बेसिकली कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर काम आने वाला है। कोरियोलिस फोर्स काम आने वाला है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली जो है, या फिर ट्रोपोस्फियर के बारे में हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस में पढ़ा था उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ पर काम आएगी। सी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हम सभी को पता है दैट 22nd-23rd September के बाद जो सन है वो अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना शुरू करता है। अब जब सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना शुरू करता है सन, तो यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया पर जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट यहां पर पड़ने लगती हैं। राइट, तो जब 23rd September के बाद हम लोग देखते हैं तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आ जाता है लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन आ जाता है। राइट, अब जब हम लोग ठंड की तरफ थोड़ी सी और बढ़ते हैं, नवंबर के आसपास की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इंडिया में जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 10-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास धीरे धीरे आने लगता है, अगर आप गंगा यमुना दोआब बेल्ट की बात करते हैं तो। राइट, लेकिन अगर हम इसी नदन हेमिस्फीयर में हमारा ये 90 डिग्री का पोलर जोन देखते हैं तो यहां पर टेम्परेचर उसी वक्त लगभग लगभग -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आराम से पहुंच जाता है। पोलर जोन में विंटर सोल्स्टिस में, हम नदन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, पोलर जोन में ठंड के दिनों में -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया, लेकिन हम ये मीन सी लेवल की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ट्रोपोस्फीयर 16-17 किलोमीटर होता है हाइट पे, अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं, और इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रोपोस्फीयर जो है उसकी हाइट कम होने लगती है, और पोलर जोन में आपको ट्रोपोस्फीयर की हाइट करीबन करीबन 6-7 किलोमीटर देखने को मिलती है, और 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फीयर में, सो वी गेट टू नो कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर ट्रोपोस्फीयर में 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज कम हो जाता है। तो अगर हम लोग मीन सी लेवल पे देखते हैं -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और हम लोग 6 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो करीबन -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कम हो जाता है, बिकॉज 6×6=36 एंड आधा आधा टेम्परेचर अगर आप जोड़े तो 40 के आसपास पहुंच जाता है। सो -30 -40 डिग्री सेल्सियस करीबन ये टोटल 70 डिग्री -70 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। हमें पता है कि हर एक विंड, चाहे वो ईस्टर्नली हो या वेस्टर्नली हो, उसका बेसिक नेचर ये होता है कि हर विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती है, अट्रैक्ट होती है या बढ़ती है। तो यहां पर जो हाई प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर टेम्परेचर बहुत कम है। इसी हाई प्रेशर की वजह से यहां से एक विंड पैदा होती है, एक स्ट्रीम पैदा होती है, जिसे हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। अब जेट स्ट्रीम के बारे में जानना यहां पर कुछ चीजों में जरूरी है कि जो हमारी विंड है जेट स्ट्रीम, वो बेसिकली एक वेस्टर्नली विंड है। वेस्टर्नली विंड के बारे में हमने पढ़ा था, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये जो हमारी जेट स्ट्रीम है जो हमारे नदन पोलर जोन से बनी है वो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड होती है। अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड होती है। अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड का मतलब होता है ट्रोपोस्फियर के ऊपरी इलाके में, ऊपरी एरिया में ये बहती रहती है, यानी ये 7-11 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड है इसका, उसके आसपास ये बहती है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हमारी जेट स्ट्रीम है ये बहुत ज्यादा कोल्ड होती है। सीधी सी बात है, ठंडी होगी क्योंकि पोलर जोन से निकल रही है, और बहुत ज्यादा ड्राई भी होती है। ह्यूमिडिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंड ही इतनी है, -30 -40 -70 डिग्री सेल्सियस, कि वहां पर जो आसपास का
वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉइस्चर होता है वो पूरी तरीके से जम जाता है, राइट। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये आपकी पोलर जोन से निकलती है हाई प्रेशर की वजह से। अब ये वेस्टर्ली विंड है तो आप देख सकते हैं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, और इस विंड का सोल मोटो या पर्पस ये है कि इसे ऐसे कॉन्टिनेंट में या ऐसे रीजन में जाके सबसाइड करना है, खुद को बैठना है जहां पर लो प्रेशर है, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप पूरे अर्थ की सिचुएशन देखते हैं तो ये जेट स्ट्रीम एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मी सबसे ज्यादा है, लो प्रेशर सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये डायरेक्ट नदन पोलर जोन से सदर्न हेमिस्फीयर में तो जा नहीं सकती, धीरे धीरे कहीं ना कहीं सारे के सारे लैटिट्यूड से होकर गुजरेगी। तो सबसे नजदीकी जो इसे लो प्रेशर मिलता है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, यानी इंडिया के रीजन में मिलता है। अब ये ईस्ट की तरफ है तो ऑटोमेटिकली इंडिया की तरफ से अट्रैक्ट हो ही रही है, और इंडिया में से लो प्रेशर भी मिल रहा है तो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन यहां पर जब वो इंडिया पे पहुंचती है तो ये हिमालय से टकराती है, क्यों? क्योंकि हिमालय भी हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन में है ही, और हिमालय की हाइट तो हमें पता ही है, 8-9 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट जाती है माउंट एवरेस्ट की, अगर आप देख लें। और ये 7-11 किलोमीटर जो है एल्टीट्यूड पे जेट स्ट्रीम बह रही है। तो जेट स्ट्रीम जैसे ही हिमालय से टकराती है तो ये आपकी जेट स्ट्रीम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक चली जाती है आपके हिमालय के नॉर्थ में और एक चली जाती है आपके हिमालय के साउथ में। अब ये जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल रीजन में एंट्री कर चुकी है, यानी हम इसे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कह सकते हैं। अब एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में है तो मैं इसे नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कह सकता हूं, और एक जेट स्ट्रीम जो है हिमालय के साउथ में है तो मैं इसे साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कह सकता हूं, राइट। अब ये जो साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये इंडिया के लो प्रेशर से काफी सेटिस्फाइड है, क्योंकि इस वक्त इंडिया का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 10-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठंड इंडिया में भी है लेकिन अगर आप पोलर जोन की विंटर से कंपेयर करें कहां माइनस में टेम्परेचर और कहां 10-15 डिग्री टेम्परेचर, तो ये साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यहां पर काफी सेटिस्फाइड है कि इसे एक लो प्रेशर जोन यहां पर मिल गया है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की। नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को जो लो प्रेशर चाहिए था वो हिमालय के नॉर्थ में नहीं मिल पाया, क्योंकि हिमालय के नॉर्थ में भी आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे, सो दैट नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कुड नॉट गेट दैट लो प्रेशर फॉर विच इट वॉज लुकिंग फॉर। तो अब ये नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो अपनी जर्नी है यहां पर खत्म नहीं करती, ये कंटिन्यू करती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, एंड हियर यू कैन सी बे ऑफ बंगाल। अब नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को हिमालय के नॉर्थ के कंपैरिजन में जो सबसे नजदीक लो प्रेशर मिलता है वो आपका बे ऑफ बंगाल का मिलता है। तो ये जो आपकी नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। अब ये बे ऑफ बंगाल में इसे लो प्रेशर क्यों मिल रहा है, इसके दो रीजन है सर। रीजन नंबर वन, अगर आप नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो रीजन है हिमालय के नॉर्थ वाला और बे ऑफ बंगाल, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको दिखेगा कि ज्यादा गर्मी बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि सर बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर कम होगा ठंड में, लेकिन सर माइनस में थोड़ी ना चला गया है बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर, बर्फ थोड़ी ना जम गई है बे ऑफ बंगाल की ऊपरी परत पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो हिमालय के नॉर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा है, यानी बे ऑफ बंगाल में बेसिकली जो प्रेशर है वो थोड़ा सा लो है। तो नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बे ऑफ बंगाल की तरफ अट्रैक्ट होगी क्योंकि यहां पर लो प्रेशर ज्यादा है, रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है ज्योग्राफी का जिसे हम लोग पॉजिटिव एनोमली के नाम से जानते हैं। इस कंसेप्ट में यह बताया जाता है कि ठंड के दिनों में विंटर में जो पानी होता है जो वाटर सरफेस होता है वो लैंड सरफेस से ज्यादा गर्म होता है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ठंड में पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है जमीन फिर भी थोड़ी गर्म रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जस्ट ऑपोजिट है कि ठंड के दिनों में पानी थोड़ा सा गर्म होता है और जमीन ठंडी होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ठंड के दिनों में जब आप नदी या तालाब में उतर जाते हैं नहाने के लिए तो शुरू में आपको ठंड लगती है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको उतनी ठंड नहीं लगती क्योंकि आप पानी का जो टेम्परेचर है वो जमीन के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा था। तो ये दो रीजन की वजह से हम लोग देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है इन कंपेरिजन ऑफ
नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के। अब जैसे ही ये नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में एंट्री करती है तो कुछ चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, ये जो जेट स्ट्रीम पोलर जोन से क्रिएट हुई थी वो एक कोल्ड विंड थी और उसके साथ साथ एक ड्राई विंड थी, लेकिन ये ड्राई विंड बे ऑफ बंगाल में एंटर करने के बाद ड्राई नहीं रह गई, ये ह्यूमिड विंड बन गई। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो पानी है उसकी ह्यूमिडिटी को इस जेट स्ट्रीम ने अब्सॉर्ब कर लिया और अब जेट स्ट्रीम एक आपकी कोल्ड और ह्यूमिड विंड बन गई है, यानी मॉनसून के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन क्रिएट करने वाली है। अब ये जेट स्ट्रीम जो है नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बे ऑफ बंगाल से होते हुए इक्वेटर क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना चाह रही है, क्योंकि मेन गोल तो इसका यही था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना है, राइट? लेकिन इससे पहले, क्योंकि सबसे कम लो प्रेशर तो ऑस्ट्रेलिया पे ही है, लेकिन इससे पहले कि ये नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बे ऑफ बंगाल से होते हुए इक्वेटर क्रॉस करने के बाद ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे, उससे पहले ही जो कोरियोलिस फोर्स है वो इस नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को अटैक कर देती है। अब कोरियोलिस फोर्स जब इसको अटैक करती है तो क्या होगा, हमें ये पढ़ समझना होगा पिछले हमारे वीडियो से जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोरियोलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो तब क्रिएट होती है जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है। अर्थ के अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है उसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स का मेन काम ये होता है कि वो किसी भी विंड का डायरेक्शन डिफ्लेक्ट कर सकती है, बदल सकती है, चेंज कर सकती है। तो जब कोरियोलिस फोर्स नदन हेमिस्फीयर में काम करती है तो कोरियोलिस फोर्स नदन हेमिस्फीयर में बहने वाली किसी भी विंड को राइट हैंड साइड में मोड़ सकती है, और वही कोरियोलिस फोर्स जब लेफ्ट हैंड साइड में काम करती सदर्न हेमिस्फीयर में काम करती है तो वो किसी भी विंड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मोड़ सकती है। अब यहां पर जो कोरियोलिस फोर्स ने इस नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को अटैक किया है ये नदर्न हेमिस्फीयर है। अब आप इस नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन देखिए, ये इस तरफ है, साउथ की तरफ जा रही है, तो इसका राइट हैंड साइड तो ये हो गया ना। तो कोरियोलिस फोर्स अब इसको अटैक करेगी तो ये जो आपकी जेट स्ट्रीम है ये राइट साइड की तरफ मुड़ती है, यहां पर इंडिया का कोरोमंडल कोस्ट आता है, कोरोमंडल कोस्ट से टकराती है और आपके तमिलनाडु में जाके बारिश करवा देती है। ये यहां पर ये आपका तमिलनाडु है, ये वाला रीजन तमिलनाडु में जाके बारिश करवा देती है। इस वजह से इंडिया में विंटर में नवंबर दिसंबर जनवरी और फेब का आधे महीने में तमिलनाडु में बारिश होती है, यानी कि पूरे इंडिया में जो जून जुलाई अगस्त का टाइम रहता है जो हमारा मॉनसून रहता है, तमिलनाडु के लिए वो मॉनसून नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी का होता है। तो जो नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ठंड के दिनों में तमिलनाडु में बारिश कराती है जिस प्रोसेस के साथ हमने पढ़ा, इसी ही हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून कहते हैं। अब इसे नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून क्यों कहते हैं, क्योंकि क्योंकि ये नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में एंट्री करती है, इसलिए इसे नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून कहते हैं। इस नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून को हम लोग बेसिकली रिट्रेटिंग मॉनसून भी कहते हैं, ठीक है? ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून है इसे हम लोग रिट्रेटिंग मॉनसून भी कहते हैं। रिट्रेटिंग मॉनसून का मतलब क्या होता है, लौटता हुआ मॉनसून, उल्टा मॉनसून, रिटर्निंग मॉनसून। अब रिट्रेटिंग मॉनसून क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने यह देखा है कि जो बारिश है जो मॉनसून है वो तो सर ये जुलाई अगस्त में केरल से होते हुए साउथ इंडिया सेंट्रल इंडिया नॉर्थ इंडिया की तरफ जाता है, लाइक द मॉनसून गोज लाइक दिस, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून में तो मॉनसून इज कमिंग लाइक दिस, तो उल्टा जा रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसे रिट्रेटिंग मॉनसून कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून का इजी कंसेप्ट समझाने की कोशिश की। ये इंडियन मॉनसून का पार्ट वन था। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसको पढ़ेंगे। अगर आप चहल एकेडमी के वीडियोस को इसी तरीके से कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहते हैं सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिसमें हमारे पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी इंटरनल सिक्योरिटी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको एक के बाद एक देखने को मिलेंगे। And for the next video, where we will be studying the part 2 of Indian monsoon, please subscribe the channel. Thank you very much.